अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सुहेब फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप कहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को जो प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल से कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव हो जाए। जो वीडियो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ वो वीडियो है कि बहरिया ऑर्चर्ड के वो एरियाज़, वो ब्लॉक्स जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लाइंट जो हैं वो ओवरसीज़ हैं और उनका इंटरेस्ट होता है कि वो जाना चाहते हैं कि वो बाहर बैठे होते हैं और वो जाना चाहते हैं कि वो प्लॉट बाय करना चाहते हैं बहरिया ऑर्चर्ड में, लेकिन जब वो बाहर बैठ कर वर्किंग कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ में कुछ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें कौन से फेज़ में, कौन से ब्लॉक में जो है वो बाइंग करनी चाहिए। डेफिनेटली उसमें आपका बजट भी मैटर करता है, लेकिन फिर भी लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम जो है वो किसी ऐसी जगह पर जाएँ जो कि जहाँ पे कम्युनिटी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो, तो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर प्लॉट अपना बाय करें जहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एक कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही हो और ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसी जगह पर प्लॉट ले लें जिसके जो है वो कोई गाड़ी ना बनाओ तो वो अकेले बना के वहाँ पर घर जो है वो बैठ जाएँ और बाद में जो है वो उनके लिए जो है उसमें प्रॉब्लम, वो जो है उनके लिए प्रॉब्लम का बायस बने। डेफ़िनेटली इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि बहरिया ऑर्चर्ड के जितने भी फेजेस हैं, फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, फेज़ फोर, इनके कौन कौन से एरियाज़ में, कौन कौन से ब्लॉक्स में जो है वो कहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, कौन सा एरिया जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है और इसका क्या जो है वो करंट सिचुएशन है। और इसमें डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन का जो है वो रुझान इस टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो एक कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेज दिया हुआ है जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसमें डिफरेंस आया है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कम आ रही है, प्लस आपको इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं, तो उसको अवेल करने के लिए भी जो है लोग इस टाइम जिन्होंने पिछले दो तीन साल से अपना प्लॉट लेकर रखा हुआ था वो और वहाँ पर उन्होंने घर अभी तक नहीं बनाया था या बनाने का प्लान नहीं भी था तो उन्होंने भी वहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट किया ताकि वो जो है इस पैकेज से जो है वो बेनिफिट ले सकें। तो मैं भी आपको जो है प्रॉपर गाइड करूँगा, स्टार्ट करते हैं फेज़ वन से, स्टार्ट करते हैं फेज़ वन की अगर हम बात करें तो फेज़ वन में जो है वो चार ब्लॉक्स हैं, इसमें साउदर्न ब्लॉक, सेंट्रल ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक और नॉर्दर्न ब्लॉक है। अगर हम इन चारों ब्लॉक्स की बात करें तो सबसे पुराने ब्लॉक्स हैं, फेज़ वन है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, आबादी जो है वो भी इन्हीं एरियाज़ में है और इन्हीं एरियाज़ में अगर आप जाएँ तो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो रेजिडेंस मिलती है। एक चीज़ मैं आपको गाइड करता चलूँ कि बहरिया ऑर्चर्ड में इसमें फेज़ वन हो, फेज़ टू हो, फेज़ थ्री हो या फेज़ फोर हो, सब जगह पे आपको कंस्ट्रक्शन मिलती है, बट जो मैं आपको अभी गाइड करने लगा वो मैंने इस तरह से रैंकिंग की है कि मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर हो, उसके बाद सेकेंड नंबर पर, फिर थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के पर कहाँ पे आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन मिलती है और कहाँ पे जो है वो बिल्डर भी एंटर है और कहाँ पे लोग जो है सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसमें नंबर वन के ऊपर जो है वो फेज़ वन ही है। फेज़ वन में अगर हम बात करें तो ईस्टर्न ब्लॉक में पांच मल्ला क्योंकि है और पांच मल्ला की सबसे ज़्यादा हमें कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे मिलती है और अगर आप इस टाइम भी जाएँ तो आपको यहाँ पे जो है वो मज़ीद घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं और उसकी आबादी में जो डे बाई डे इजाफा हो रहा है, यहाँ पे बिल्डर भी एंटर है और बिल्डर भी घर बना के जो है यहाँ पर वो सेल आउट कर रहे हैं। बिल्डर यहाँ पर पाँच मल्ले का प्लॉट देता है, घर बनाता है, घर बना के वो जो है उसको एक करोड़ से लेके एक करोड़ 25 लाख तक जो है वो भी बेचता है और जहाँ पर भी बिल्डर एंटर होता है वहाँ पर जो है वो बाइंग सेलिंग की डिमांड जो होती है ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन की तो ईस्टर्न एक्सटेंशन में भी अगर आप जाएं तो वहाँ पे भी आपको जो है वो घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा घर बनने जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप लास्ट वीक विज़िट करके आप नेक्स्ट वीक विज़िट करने आते हैं तो आपको फिर किसी ना किसी प्लॉट के ऊपर जो फाउंडेशन डलती हुई जो है वो नज़र आ रही होती हैं। प्लस इसी ईस्टर्न एक्सटेंशन को जो है वो डेवलप करने के लिए यहाँ पर ईस्टर्न विलास लॉन्च किए गए जो कि 500 घरों की ऑलमोस्ट जो है वो कम्युनिटी है और वहाँ पे वो घर बन रहे हैं। उसके अलावा जो है वहाँ पे ईस्टर्न बाज़ार जो है वो भी लॉन्च किया गया है। अगर आप में से कोई उसमें भी बुकिंग कराना चाहता है तो वो भी हमारे पास बुकिंग अवेलेबल है, हम आपको बुक कर सकते हैं। इसमें 5 मरला के घर थे जो कि 3 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको मिल रहे हैं, 70 लाख की इसकी जो है 69,90,000 जिसकी टोटल अमाउंट है, 11,90,000 डाउन पेमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट जो 95,000 है, 2 साल में आपका पोजेशन, 3 साल का प्लान है। तो अगर आप में से कोई इसमें भी इंटरेस्टेड है तो वो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएँ तो ईस्टर्न में ही हमें जो है वो 10 मल्ला की कम्युनिटी भी मिलती है और वहाँ पे भी जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पे भी जो है बिल्डर भी वहाँ पे एंटर है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसके दूसरे ब्लॉक की, सेंट्रल ब्लॉक की और साउदर्न ब्लॉक की और नॉर्दर्न ब्लॉक की, तो इसी रैंकिंग के साथ इसी तरतीब के साथ से सबसे पहले ईस्टर्न ब्लॉक, फिर सेंट्रल, फिर साउदर्न और फिर जो है वो हमें नॉर्दर्न ब्लॉक में जो है वो पॉपुलेशन भी नज़र आती है और इसी तरह से जो है इसी पैटर्न के ऊपर जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी
कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। इसमें जो सबसे स्लो कंस्ट्रक्शन है वो हमें नॉर्दर्न ब्लॉक में नज़र आती है और इसी वजह से जो है वहाँ पर प्राइसेस भी कम है। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है या वहाँ पर रेजिडेंस नहीं हो रही है, वहाँ पर भी रेजिडेंस हो रही है। जो लोग फेज़ वन में रहना चाहते हैं और लो बजट रखते हैं 10 मल्ला के हिसाब से, तो वो फिर जो है वो नॉर्दर्न ब्लॉक में जाते हैं। उसके बाद अगर हम चले जाते हैं फेज़ टू में, चले जाते हैं फेज़ टू में हमें जो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नज़र आती है वो जी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक में 5 मल्ला की कैटेगरी में नज़र आती है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको बड़े रीज़नेबल प्राइसेस में जो है वो प्लॉट मिल जाता है आपको। यहाँ पे 20-21 लाख से लेके 32-33 लाख तक जो है वो करंट मार्केट में आपको जो है वो 5 मल्ला का प्लॉट मिल जाता है। इसी वजह से हमें यहाँ पे जो है 5 मल्ला के अभी रिसेंटली हमें देखा है काफ़ी ज़्यादा जो तेज़ी नज़र आई है। लोग यहाँ पे जो है वो घर बना रहे हैं और ना सिर्फ लोग घर बना रहे हैं बल्कि कुछ बिल्डर भी यहाँ पे एंटर हो गए जो अपने घर बना रहे हैं। इसके बाद जे ब्लॉक और एच ब्लॉक में भी जो है वो जो लोग के अपने 8 मल्ला के प्लॉट्स की यहाँ पे कैटेगरी जो है वो 8 मल्ला की है, जो लोग 8 मल्ला में अपना घर बना के रेजिडेंस करना चाहते हैं वो भी जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें जो है नज़र आती है। तो अगर हम फेस टू की बात करें जी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक में, उसके बाद 8 मल्ला में हमें जे ब्लॉक और एच ब्लॉक में नज़र आती है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें सी ब्लॉक की और डी ब्लॉक की, तो जो लोग फेस टू में जाते हैं और उनका बजट भी अच्छा है तो वो फिर जो है वो सी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में जाते हैं। यहाँ पे आपको 5 मल्ला भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको 8 मल्ला मिल जाता है। जो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई भी हुई है वो भी वो इन दोनों ब्लॉक्स में जो है वो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन वो यहाँ पर है। और प्लस यहाँ पे भी अभी मज़ीद कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने पुरानी होल्डिंग की थी, प्लॉट्स बाय किए थे और होल्ड किए थे, वो अब यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपनी रेजिडेंस कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें फेस थ्री की, तो फेस थ्री में जो है वो हमें कुछ घर बने हुए नज़र आए हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी रेपिडली जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है एज़ कम्पेयर टू इसके साथ ही जो है फेस फोर है। फेस फोर में हमें 10 मल्ला में जो है वो कंस्ट्रक्शन होती स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे कुछ घर बनने हुए जो है वो स्टार्ट हो भी गए हैं और मज़ीद ये जो है इसमें इंक्रीज़ हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में हमें यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। इसकी रीज़न ये है कि अभी इसको लास्ट ईयर जो है पोजेशन मिली है तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकी, लेकिन अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो ट्रेंड होता नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो है G6 ब्लॉक में सफारी विलास दिए गए थे, उसके अलावा जैस्मिन विलास दिए गए थे, उसके अलावा यहाँ पे जो है ऑर्चर्ड होम्स दिए गए थे, तो वो भी जो है वो इस एरिया को जो है डेवलप करने के लिए किए थे। और अगर वो कम्युनिटी ऐड कर लें तो फ्यूचर में जो है हमें फेज़ फोर में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में जो है वो इंक्रीज़ भी होगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको जो प्राइसेस मिलते हैं बड़े रीज़नेबल प्राइसेस मिल जाते हैं, तो मोस्टली लोग जो हैं वो यहाँ पर भी मूव कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको फेज़ वन से लेके फेज़ फोर तक सारा गाइड करूँ और ये बताऊँ आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंस्ट्रक्शन सारे ऑर्चर्ड में हो रही है लेकिन कहीं पर रेशियो ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो वो मैंने आपको उसके हिसाब से जो है वो गाइड करने की कोशिश की है। तो अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड में अपना प्लॉट बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपकी रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफ़िल करूँ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।